देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम। देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करता जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP के बाहर खड़े हैं और LNJP वही अस्पताल है जिसमें दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि लगातार बेड हैं। और आप देख सकते हैं कि 24 तारीख का ये आंकड़ा इस स्क्रीन पे दिख रहा है, 1500 बेड है और 1500 पेशेंट अंदर हैं, जिसमें 400 जो है वो ICU के बेड हैं और 200 वेंटिलेटर पे हैं। यानी कि इस अस्पताल के अंदर अभी अगर कोई कोरोना का मरीज आ जाए तो उसके कोई उसको कोई एडमिट नहीं करेगा, क्योंकि अस्पताल के अंदर बेड नहीं है। दिल्ली में कई अस्पतालों से, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये खबर आ रही है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। किसी अस्पताल में 1 घंटे या 2 घंटे का ऑक्सीजन है। दिल्ली के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। ये LNJP का एक इमरजेंसी वार्ड है, यहीं पे कोविड के पेशेंट को लेके आया जाता है। लेकिन हमने यहाँ बात की, कई सारे ऐसे कोविड पेशेंट अभी बाहर आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे जिनको सिर्फ इस बात के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है कि अस्पताल के अंदर बेड नहीं है। देश के बाकी इलाकों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में अगर हेल्थ सिस्टम का, स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है तो आप बाकी जगहों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई जगहों से इस बात की शिकायत आ रही है कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। कल ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और उसमें आश्वासन दिया था। हालांकि जो कल एक विवाद हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक के बाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे कहा कि दिल्ली के अंदर कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, ऐसे में दिल्ली के कोटे के लिए केंद्र द्वारा तय की गई जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि दूसरे राज्य में इसको रोका जा रहा है। और ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। अमृतसर के एक अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। लखनऊ से यह स्थिति है, अमृतसर की स्थिति हमने आपको बताई। देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में गंगाराम हॉस्पिटल में 48 घंटे में 25 मरीजों की मौत, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हो जाती है सिर्फ इसलिए कि समय पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है फिलहाल। आज केंद्र सरकार ने ये भी कहा, वैक्सीन को लेके ये कहा कि केंद्र सरकार के कोटे से जो वैक्सीन खरीदी जाती है, दोनों वैक्सीन की जो कंपनी है उनसे उसी कीमत पे, यानी 150 रुपये की कीमत पे, 150 रुपीज़ के पर डोज की कीमत पे वैक्सीन खरीदी जाएगी आने वाले समय में भी। और राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा जो कोटा दिया गया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, वो उसी 150 रुपये की कीमत पे दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर भी विवाद है कि जिस तरह से इसका इस 1 मई के बाद ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए खोल दिया गया है और मोदी सरकार ने इसकी सारी जिम्मेदारी, आर्थिक सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पे डाल दिया है और उसकी भी 3 कीमतें तय की गई है। जिस तरह से राज्य सरकार की जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो 400 रुपये में खरीदेगी, उसको 600 रुपये में प्राइवेट के लोग खरीदेंगे, 3 कीमतें तय की गई हैं, वो उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य के लोगों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन देंगे। लेकिन इस सब के बीच जो दिल्ली में खासतौर से ऑक्सीजन को लेकर स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है, बहुत दयनीय है। लगातार लोग मरते जा रहे हैं, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में 2 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा को ऑक्सीजन नहीं बचा हुआ है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल में, जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं, लोकनायक जो ये हॉस्पिटल है LNJP अस्पताल में एक भी बेड उपलब्ध नहीं है। फिलहाल अगर कोई कोरोना का मरीज आ जाए तो उसको यहाँ पे नहीं एडमिट कराया जा सकता, चूँकि अस्पताल के अंदर फिलहाल
कोई बेड नहीं है। तो ये तो स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था का। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94648 84374 94648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी, रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाहा प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी, कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तो तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटोमैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 0548 85 588 38 617। साईं जी, मेरे साईं जी, साईं जी, साईं जी, साईं जी, साईं जी, साईं जी, साईं जी।